बताओ। अच्छा और कौन सा डांस करा था बता दो। एरी एरी बता दो मुझे डार्लिंग मौका। सही ये देख ले तू ये मेरा डूब बैठे हैं सब। हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि भाई शक्ल बिल्कुल बदल जाती है। धूप में बैठा से शक्ल बदल जाता है देख लो ये बालन से शक्ल बिगल जाता है पूरी सी कच्चा लगता है बिगल जाता है बिगड़ कल बिगली है। अब एक बार एक बजे से हम जूड़ा लगा ले बिंदु जूड़ा लगा दे माँ और शक्ल बदल ले सही बता जूड़ा लगा दे तो वे पूरे ऐसे ही लपेटन लगी हमने की रबड़ निकाल के लगा दे थोड़े लेट हो ना बाल अगर खुला करके सो जाओ ना तो उनकी धज्जियां उड़ जाती पता ही नहीं चला था कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म जले जले से बाल उड़ जाते पूरे ये देख लो कैसे आज गांव में ना पता नहीं आज अब कैसे लग रहा है अब ठीक लग रहा है ने? नॉइस लग रही है अभी बताए उल्टा हो रहा था क्योंकि जिधर से मतलब सूर निकले हुए हैं ना उधर मतलब उसके उसी के सामने हम कैमरा किए हैं अब ऐसे किए हैं तो क्लियर आ रहा है ना सनलाइट आ इधर कर लेती हूँ ना तो फिर से वही हाल हो गया अभी इधर करूँगी तो साफ आएगी लो इन्हें देख लो ये तो लीला रचन लगे लगा सब बस बैठे हुए लटके हैं दो मंग की भी नहीं कि बॉल खेलने लगे ये खड़े उधर देखो कितनी सारी भीड़ हो गई ये खड़े सब देख लो आज ये कैसी लग रही है दिन कैसी लग रहा सब बस बेटा बहुत बढ़िया मुन रही थी आज इनको रूप मैं पागल हूँ दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति अभी हम दिखाएंगे आपको ये है मुल्खा कही देखो कही देखो ज्यादा उसके पीछे लगाओ जाके हम मरे मारा मारा ये आई वो से छक्का वाओ सो नट हटा नहीं मिली बैठने की हम यहाँ बैठे हैं सब खेल खेल के चले गए खेलते खेलते हम थक गए उसके बाद में आई ये लल्ला तिलक सिंह अच्छा ठीक है तिलक सिंह आ गए तिलक सिंह कभी ऐसा गाना गा रहे हैं देखो गाना गाते गाते बंदे कहता है कि हम वीडियो लाइक अब तैयार नहीं भाई वीडियो ना बनाओ कहीं जब वीडियो लाइक तैयार हुई जन तब वीडियो बनाए बताओ लड़कना उनका सजने पड़ा है तो सबका कहा है कि लड़का महकम देख लो ही जैकेट पहन के मार कहाँ पीछे लुकन गो है अब वीडियो लग तैयार हुई है जा वीडियो लग तैयार हुई कहा था मैं वीडियो ना बना तैयार तू समझा नहीं तू समझा नहीं वीडियो शरम लगा लो कितनी अच्छी लग रही ये कह रही थी अभी ठीक नहीं लग रहा है सुबह तिलक सिंह बोल रहा था अभी ये बोल रही है सुंदर लग रही है कोई नहीं अभी कमेंट करो तो तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी फ्रेंड है कौन है सिस्टर है बहुत क्यूट है तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी फ्रेंड क्यूट है हाँ एक छोटी करें एक पोनी बनाए और ऊँचे करिए तो कैसे लगूँ ठीक लगे मैंने पर कभी बांधी नहीं है बहुत कम बांधी है क्योंकि मेरे बाल बहुत बेकार हैं इसलिए थक गई है बेचारी काम करके आई है ढिल्लो कम करके आई है हाथ दे दे हाथ दूरी है मजबूरी है तनहाई हाथ दे दे के रहना दे पागल आइए आइए पतलू सुक्का डॉन आ रहा है चलो रास्ता प्यारी समझ गई अरे कारी है ये पागल किट्टी आली पगले पगले अब इस ब्लॉग का सच में मैं टाइटल डालूंगी पागलों का ब्लॉग सकल छुपा रही एंड टू थ्री
अभी मैंने एक पागल को और बुलाया है। इस ब्लॉग का टाइटल होने वाला है हम पागलों का ब्लॉग, क्योंकि इस ब्लॉग में सबसे ज्यादा मस्ती हुई, सबसे ज्यादा मस्ती हुई सच में। बहुत ज्यादा हम लोगों ने मस्ती की। एक पागल आ रहा है। 3 दिन पागल आ गए, इसीलिए इस ब्लॉग का नाम मैं टाइटल लिखने वाली हूँ, आ गया पागलों का ब्लॉग। पागल पागल कितनी क्यूट लग रही है आज, आज अच्छी लग रही है। सुबह नहीं अच्छी लग रही थी, अभी नहा धो लो है, 1 बजे से अच्छी लग रही है। और मम्मी खड़ी है, ये बड़ी अम्मा खड़ी है, और रही है ना लाई मेरे घर के सामने लाई है, चाहे चाहो कितना ब्लॉग बनाओ कितनी भी रील्स बनाओ बहुत अच्छा लगता है, सामने खेत है। लेकिन हाँ तभी ठंडी भी रहती इसकी वजह से। जा रही हूँ थोड़ा धूप में बैठ लूँ, नहा के तो आई हूँ मैं, बाल भी सूख गए हैं। देखो बाल्टी पे पैर रख के ये भी नहा के आया है अभी। गाइस मैंने नहा लिया है, नहा के देखो बाल भी मेरे सूख गए हैं अभी। तो हम धूप में बैठे और यहाँ की भी धूप जाने लगी है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकती है, धूप जाने लगी। और बिंदु खींच रही है ये बाल, ये भी बाल खींच रही है अभी, ये भी नहा के आई मेरे बाद, इसने भी नहाया है। धूप जा रही है यहाँ की। बाल देखो ऐसे बालों में हाथ डाला, कितने बाल झड़ते मेरे, क्या करूँ इन बालों के लिए। सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन बालों का झड़ना बंद नहीं हो रहा सच में। और एक तो इतने ज़्यादा मोटे बाल हैं, मतलब बाल कैसे डैमेज से बाल हैं, कैसे ये डैमेज बन दूर बालों का। आज सपने क्यों लेट नहाया और क्यों नहीं, इसके आगे मैंने क्यों नहीं वीडियो बनाया, इसलिए भी नहीं बना पाई मैं ज़्यादा वीडियो, क्योंकि मोहल्ले में किसी की मृत्यु हो गई थी इसकी वजह से, उनकी मिट्टी जा रही तो सभी लोग वहाँ चले गए थे। और मैं तो प्लाट तक गई थी क्योंकि मैं जाती नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और फिर सपने आ जाते, मैं डर जाती हूँ इसलिए मैं नहीं जाता जाती हूँ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये बताओ मुझे, मैंने आज ऐसे ही बातों में स्टार्ट कर दिया था वीडियो। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।